कांग्रेस के बाद हरियाणा के चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 20 सूत्रीय संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं की कांग्रेस से मिलती जुलती हैं। हालांकि कई ऐसी भी घोषणाएं पार्टी ने की हैं जो कांग्रेस से बढ़त लेते हुए दिख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं ही इस बार दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में केंद्र में हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने जितनी भी बड़ी घोषणाएं की हैं उसके इर्द गिर्द महिला वोटर ही हैं। आइए जानते हैं दोनों के मैनिफेस्टो में ये पांच मुद्दे कौन से हैं जो कॉमन हैं। कांग्रेस ने सरकार आने पर महिलाओं को सम्मान राशि के तहत हर महीने 2000 रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी भी इसी तरह की मिलते जुलती एक घोषणा की है। उसने अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार आने पर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिला को 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने गारंटी में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि तीसरी बार उसकी सरकार आने पर बिना पर्ची खर्ची के सभी को नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस ने गारंटी के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। ये ऐलान बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में है। बीजेपी ने भी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में MSP का भी जिक्र है। कांग्रेस ने सरकार आने पर MSP को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी के संकल्प पत्र में 24 फसलों को MSP के दामों पर खरीदने का वादा किया गया है। लोगों को घर देने का मुद्दा भी दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में शामिल है। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने 100 गज जमीन के साथ साथ घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपये देने का भी ऐलान किया। कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग दिव्यांग और विधवा को 6000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। पार्टी ने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का वादा भी अपने संकल्प पत्र में किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 7 गारंटी के तहत जातिगत सर्वे कराने और OBC क्रिमिलेयर की राशि बढ़ाने की भी बात कही है। अभी OBC क्रिमिलेयर की राशि 8 लाख तक है। कांग्रेस के मुताबिक हरियाणा में इसे 10 लाख कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसके अलावा सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का घोषणा की है। पार्टी ने सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का भी ऐलान किया। कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार आने पर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बहाल करने की घोषणा की है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सामाजिक पेंशन का जिक्र तो जरूर किया है, लेकिन पैसे कितने बढ़ाए जाएंगे इसके बारे में पार्टी की ओर से कुछ नहीं बताया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार आने पर लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। ये स्कूटी ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को दी जाएगी। बीजेपी ने अलग अलग जातियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की भी बात कही है। वहीं बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए अरावली जंगल सफारी पार्क बनाने का भी ऐलान किया। ये पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। बीजेपी ने सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी हरियाणवी छात्रों को संपूर्ण छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की। पार्टी ने संकल्प पत्र में अग्निवीर का भी जिक्र किया है। बीजेपी के मुताबिक हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस लंबे वक्त से अग्निवीर स्कीम पर ही सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि केंद्र की सत्ता में वो आएगी तो इस स्कीम को खत्म कर देगी। बता दें हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है। चुनाव के केंद्र में तो वैसे 5 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। जेजेपी इनोले और आम आदमी पार्टी पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जरूर जुटी हैं।